हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अथोर कश्यप मैन डब्ल्यू एस वन एफ ई पे आप सभी का स्वागत है बच्चों का बड़ों का वृद्धों का खास खासतौर पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम करने वाले व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हिंदी में मानव अधिकार कहते हैं तो मानव के कितने अधिकार हैं ये सभी को पता होने चाहिए मेल एंड फीमेल दोनों को पता होने चाहिए अगर आपको जानने हैं चाहे वो आप मेल हैं या फीमेल है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फंडामेंटल राइट्स देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया होते तो सिक्स हैं बट हमने एक और इंक्लूड किया है तो आपको समझ लेना चाहिए हमारे मुताबिक राइट टू इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन प्रोहिबिटेड दी इन इक्वेलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन प्लेस और बर्थ रेस एंड जेंडर इट एनशोर्स इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन्स अब हम बात करते हैं सेकेंड फंडामेंटल राइट्स की जो हमारा सेकेंड मतलब राइट right है मानव अधिकार है उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम द राइट टू फ्रीडम गिव सिटीजन बेसिक फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ पर्सन लाइब्रेटी फ्रीडम टू लाइव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी ई टी सी ई टी सी मीन्स एक्स्ट्रा और भी है इट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेस रगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्या होता है वो जानेंगे आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनहेंस द रट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन विच गारंटिड हुमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्राम एनी कैंड ऑफ एक्सप्लोइटेशन द इंडियाज लॉज प्रोहिबिटेड एनी एक्ट विच मे हार्म द फ्रीडम एंड डिग्निटी द पर्सन तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आएगी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप जान लीजिए आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मॉडर्न इंडिया केम इन टू एक्सिस्टेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रम्बल वॉज अमेंडेड इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स टू स्टेट दैट इंडियन इज अ सेक्युलर स्टेट तो ये हमारी राइट टू फ्रीडम की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की डेफिनेशन थी बढ़ते आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होता है वो जान लीजिए द राइट्स ऑफ एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन द कल्चर लाइफ ऑफ़ देयर कम्यूनिटी टू इन्जॉय द आर्ट्स एंड टू रिसीव एन एजुकेशंस पे इन सभी चीज़ों पे भी सभी का अधिकार होता है राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी ये कोई फंडामेंटल राइट right नहीं बस इंक्लूड कर लिया गया राइट तो स्टार्ट करते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री हंड्रेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी स्टेट दैट नो वन हैज़ द अथॉरिटी टू डी प्रोवाइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर इमोवेबल प्रॉपर्टी एंड अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट का एक राइट टू प्रॉपर्टी है जो हमें सरकार से मिलता है सरकार के थ्रू मिलता है मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन्स रेमिडीज तो ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट right है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमिडीज तो स्टार्ट करते हैं दिस राइट अलाउज द सिटीजन टू रिस्टोर देयर फंडामेंटल राइट्स इफ़ दे आर वायलेटेड आफ्टर दैट द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल इशू द डायरेक्शंस और ऑर्डर टू द गवर्नमेंट फॉर द राइट एनफोर्समेंट तो ये था हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ की एक्सप्लेनेशन आई होप हमारे फंडामेंटल राइट्स आपको समझ में आए होंगे अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी न्यू न्यू वीडियो आप तक आती रहेंगी नॉलेजफुल वीडियो